ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर दोस्तों। ONGC का पहले क्लास का पहला लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं ONGC अनरंजन आपको स्वागत करता हूँ। मेरा ही क्लास में, ट्यूटर क्लास में और होम स्टडी में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा पहला चैप्टर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर, दिस इज गैरेंटर बैच। Why this is also called a grand batch? This so many reason, and I have so many experience. जो मेरा 10-15 साल का experience है, मैं उस हिसाब से जो आपको पढ़ाऊंगा, जो question आपको दूंगा discussion करने के लिए, जो question मैं आपको दूंगा आपको practice करने के लिए, वही question practice करने करके जाना, वही question आएगा, आप आराम से exam crack कर सकते हो। तो let's start the topic, basic electrical engineering का पहला class में आप सबको अगेन स्वागत है। आज हम लोग शुरू करते हैं, ये टॉपिक क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आल्सो कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1। ध्यान देके सुनिए, पेन और पेपर निकालिए, मेरे साथ आप पढ़िए। मैं जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आप नोट कीजिए, उसके साथ आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वी कैन स्टडी लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट है क्या, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सर्किट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्ट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओम्स लॉ, एप्लीकेशन ओम्स लॉ, सारे चीज वन बाय वन करके पढ़ते पढ़ते जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तीनों चार रेजिस्टेंस सीरीज होगा तो क्या होगा, दो चार रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो क्या होगा, करंट डिवाइडर रूल है क्या, वोल्टेज डिवाइडर रूल है क्या, इंडक्टेंस है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टेंस है क्या, कैपेसिटेंस है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस है क्या, सोर्स कन्वर्सन है, सोर्स कन्वर्सन कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इन करेंट सोर्स, और हाउ टू कन्वर्ट करेंट सोर्स इन वोल्टेज सोर्स, परमिटिविटी है क्या, पैरामीटर्स है क्या, लंप्ड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है क्या, ये सारे चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे बाइलेटरल यूनिलेटरल सर्किट, बाइलेटरल सर्किट है क्या, यूनिलेटरल सर्किट है क्या, एक्टिव एलिमेंट कौन, पासिव एक्टिव एलिमेंट क्या है, पासिव एलिमेंट क्या है, नोड, ब्रांच, लूप, मेश, किर्चॉफ्स लॉ, करेंट लॉ, केसीएल, केवीएल, साइन कन्वेंशन, और दी साइन कन्वेंशन दिस आल्सो कॉल्ड वोल्टेज साइन, मेश एंड नोडल एनालिसिस, हाउ टू फाइंड आउट द करंट एंड वोल्टेज बाय यूजिंग मेश एंड नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस है क्या, मेश एनालिसिस है क्या, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1। सॉरी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जाम, चाहे ONGC हो, चाहे DGVCL हो, चाहे UGVCL हो, चाहे MGVCL हो, चाहे PGVCL हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो, चाहे डिग्री हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई द बेसिक थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो हम शुरू करते हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सर्किट, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द लीनियर एंड व्हाट डू मीन बाय द नॉन लीनियर सर्किट, दिस इज चैप्टर नंबर 1। पहला चैप्टर का पहला टॉपिक पारा हम पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट है क्या, किसको हम बोलते हैं लीनियर सर्किट, किसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट। लेट्स स्टार्ट। सपोज कोई भी चीज है, चाहे सिस्टम हो, सपोज आवर बॉडी इज ए सिस्टम, आवर बॉडी इज ए सिस्टम, व्हाट इज आवर इनपुट, इनपुट क्या है, मैं जो खाना खा रहा हूँ दैट इज इनपुट, व्हाट इज माई आउटपुट, मेरे बॉडी में जो एनर्जी लग रहा है तो दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई आउटपुट। ये नहीं मेरा जो टॉयलेट निकल रहा है वो आउटपुट है, नहीं, तो इनपुट क्या है, जो मैं खाना खा रहा हूँ दिस इज माई इनपुट, मेरे बॉडी में जो लग रहा है दिस इज माई आउटपुट, समझ में। सपोज मेरा बॉडी ठीक ठाक है, जो मैं खा रहा हूँ मेरे ऊपर एनर्जी आएगा, मेरे बॉडी में ताकत आएगा। सपोज मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, मेरा हालत बराबर नहीं है, तो मैं जो खाना खाऊंगा मेरे बॉडी में वो लगेगा नहीं। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, सिंपली तो कोई भी इनपुट है, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सपोज इट इज सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड योर सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर सिस्टम, सो दिस इज आल्सो का इनपुट
दिस इज ऑल्सो कॉल आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं आउटपुट, दिस इज इनपुट एंड दिस आउटपुट। इनपुट को हम बोलते हैं एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल भाषा में हम इनपुट को क्या बोलते हैं एक्साइटेशन बोलेंगे, और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे रेस्पॉन्स बोलेंगे। तो एनी सिस्टम इज सेड टू लीनियर सिस्टम, कोई भी सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कब बोलेंगे, ये चार पांच डेफिनेशन मानेगा तब हम उसको बोल सकते हैं इट इज ए लीनियर सिस्टम। पहला क्या है, तो पहला इज इट आउटपुट इज राइट पुट इनपुट, और आउटपुट को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं रेस्पॉन्स, इनपुट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भाषा में बोलते हैं एक्साइटेशन। इफ द रेस्पॉन्स इज राइट पुट एक्साइटेशन देन द सिस्टम इज लीनियर सिस्टम, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू क्या है, इस आउटपुट इज राइट पर्सन इनपुट देन द सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट ओबेस द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मानेगा तब जाके वही सिस्टम को हम लोग लीनियर सिस्टम बोलते हैं, अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा तो टॉपिक में नहीं आता तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जितना क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, सो मेनी क्वेश्चन पूछा है, सुपरपोजिशन थ्योरम कौन सा सर्किट में एप्लीकेबल होगा, लीनियर में होगा कि नॉन लीनियर होगा, तो आपको पहले लीनियर समझ में नहीं आएगा, नॉन लीनियर क्या समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने शुरुआत से लीनियर भाषा नॉन लीनियर से मैंने शुरू कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो गया। तो ये चार चीज आपको, ये क्या है, पहला चीज क्या है, रेस्पॉन्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्साइटेशन, आउटपुट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनपुट, इट ओबेस द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लिनियर सिस्टम। तो एक पॉइंट को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट को आपको याद रखना, ओबे द लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है क्या एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, हमने पहले उसको समझाएंगे, क्लियर हो गया। सो दिस इज द सिस्टम, सपोज ये सिस्टम है, हमने जितना इनपुट देंगे, ये जितना इनपुट देंगे, जितना इनपुट देंगे, जितना इनपुट देंगे, करस्पॉन्डिंग से हमको आउटपुट मिलेगा, वी कैन गेट दी करस्पॉन्डिंग आउटपुट, वी कैन गेट दी करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो सिस्टम क्या है, द समेशन ऑफ द आउटपुट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समेशन द इनपुट, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, सपोज मैंने एक इनपुट दिया 2:05 में, 2 मिनट पर 10 मिनट प्रोसेसर लगेगा, फिर 2:10 मन को सपोज हमको आउटपुट मिलेगा, सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में जो इनपुट हमें देंगे आउटपुट वही निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, तो इट इज आल्सो कॉल्ड होमोजीनियस मैनर में निकलेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एनी लॉ बा एनी 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 सिस्टम इट ओबेस द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर सिस्टम। क्लियर हो गया, तो दिस इज चार पॉइंट आपको याद रखना, 3 पॉइंट यू कैन रिमेंबर। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल द पैरामीटर इनसाइड द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट, जितना पैरामीटर है बॉडी का सब कांस्टेंट रहेगा तब जाकर हम इसको क्या बोलते, दिस आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम बोलते हैं। ये सारे डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम। क्लियर, देन हम चलते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टाइम वेरिएंट वर्सेस टाइम इनवेरिएंट, है क्या, तो टाइम कौन सा वेरी करेगा, दिस आल्सो टाइम वेरिएंट, टाइम कौन सा वेरी नहीं करेगा, दिस आल्सो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। हम बाद में इसके ऊपर ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे जब हम कंट्रोल सिस्टम डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर ज्यादा हम पढ़ेंगे टाइम वेरिएंट सिस्टम है क्या, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है क्या। देन हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, वोल्टेज है क्या, पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उससे जाने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या है, व्हाट डू मीन बाय द करंट, करंट है क्या, तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपन टी, व्हाट इज आई, आई द करंट, क्यू द चार्ज, द चार्ज अपन टाइम, द चार्ज अपन टाइम इज आल्सो कॉल्ड करंट। देखिए दो टाइप का चार्ज है, वन इज स्टैटिक चार्जेस एंड अदर इज आल्सो कॉल्ड डायनेमिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस क्या है, एक चीज दूसरा चीज को रब करेंगे, हम एक चीज को इबोनाइट को फोर के साथ रब करेंगे, ग्लास को कटन के साथ, बाद सिलिकन ग्लास को अंबर के साथ हमने
घिसेंगे वा एक दूसरे के साथ फिक्शन करेंगे तो सम चार्जेस विल डेवलप एंड दैट द चार्जेस इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं। तो वही चार्ज तो करंट कैसे फ्लो होगा? चार्ज अपन द टाइम, द चार्ज अपन द टाइम इज आल्सो द करंट। द करंट के डिफाइन एज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। और आई इक्वल हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और सिंपली आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द करंट इज द रेट ऑफ द फ्लो द चार्जेस और द आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप लिख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट ऑफ द करंट का यूनिट है एम्पियर। द करंट का यूनिट क्या? कूलम पर चार्ज बा कूलम पर सेकंड। कुल चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। और द टाइम का यूनिट है सेकंड एंड कूलम पर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर, इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एसआई सिस्टम। एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट में एक सात फंडामेंटल यूनिट है। ये सात फंडामेंटल यूनिट में करंट एक फंडामेंटल यूनिट है। करंट एक फंडामेंटल, दिस करंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए एसआई सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया क्या है लीनियर सिस्टम, क्या है कोई सिस्टम को लीनियर सिस्टम कब बोलेंगे, ये चार डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब जाके हम बोलेंगे लीनियर सिस्टम। एंड सेकंड इज कहते टाइम वेरिएंट वर्सेस टाइम इनवेरिएंट। टाइम अनुसार वेरी करेगा टाइम वेरिएंट, टाइम अनुसार वेरी नहीं करेगा, दिस इज आल्सो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। देन हम चलते हैं करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट इक्वल रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कूलम पर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एयर, इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर। द यूनिट द करंट इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट टू मीन विद पोटेंशियल, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और वो द वोल्टेज क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और नथिंग द पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग वोल्टेज, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोटेंशियल। पोटेंशियल है क्या? हमारे पास दो टाइप का चार्जेस है, वन इज द पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकंड इज आल्सो को नेगेटिव चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, बहुत दूर में एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिस्टेंस जाएंगे, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक पॉजिटिव चार्ज है, हम उसको खींच खींच कर लेकर आएंगे इधर मेरे पास, जितना वर्क डन होगा दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल। सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज है, हम लोग इधर लेके आएंगे, जितना वर्क डन होगा इट इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एंड द नेगेटिव पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग योर वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग योर वोल्टेज। समझ में आया? थोड़ा मैंने डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज इधर है और एक नेगेटिव चार्ज इधर है माई डियर। पॉजिटिव चार्ज को खींच कर लेकर आएंगे जितना ए पॉइंट को लेकर आएंगे, और नेगेटिव चार्ज को लेकर आएंगे बी पॉइंट को। दिस इज वर्क डन होगा, दिस इज द पोटेंशियल ए। जितना वर्क डन होगा दिस इज द पोटेंशियल बी। एंड दोनों बीच में डिफरेंस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग योर वोल्टेज। वही पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। दैट द पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। एंड द यूनिट ऑफ द वोल्टेज इज नथिंग योर वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट। सो दैट द वोल्टेज इज नोन आर द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। व्हाट इज नोन आर द इलेक्ट्रिकल प्रेशर? द वोल्टेज और द पोटेंशियल इज नोन आर द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देके, ये सारे चीज छोटा मोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फैक्चुअल डाटा, ऑल द फॉर्मूला, ऑल द यूनिट्स यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, देन हम चलते हैं रेजिस्टेंस एंड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। दिस इज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेजिस्टेंस है क्या, हमने डिटेल नहीं जा, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब क्या है? अपोज करेगा कोई की चीज को, कोई भी चीज को वो अपोज करेगा, एनी चीज वो उसको अपोज करेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। The opposition of our flow of current is also known as the resistance. The opposition of our flow of current is also known as the resistance. Resistor. The properties of resistor is also known as the resistance. ये सबको पता है, लेकिन resistance काम क्या है? Resistance current को oppose करेगा. This is a very very point. Current को oppose करेगा. Resistance किसको oppose करेगा? Current को oppose करेगा. Resistance is oppose the current. इसको remember, आपको याद रखना. Then हम चलते हैं. Resistance का काम क्या है? रेजिस्टेंस अपोज द करंट, हमने लिखा है। रेजिस्टेंस किसको अपोज करेगा? ये करंट को
पहुंच करेगा, इसको आपको याद रखना। फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का नियम है क्या। द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस किसको पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस और किसको डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस और किसको पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मेटेरियल पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मेटेरियल डिपेंड करेगा। और दिस आल्सो कॉलर और टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस व रेजिस्टेंस चार फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ पर डिपेंड करेगा। सेकंड फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मेटेरियल, मेटेरियल का ऊपर नेचर ऊपर डिपेंड करेगा। एंड टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई। तो इसको चार मिला के हम लोग क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दिस इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। ये दोनों इक्वेशन लेके हम एक फॉर्मूला निकला, आर इक्वल रो इन टू एल बाई ए। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस आल्सो कॉल लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, दिस आल्सो कॉल लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इज आर ए रो इन टू एल अपन ए, व्हाट दो रो इज आल्सो कॉल रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए द क्रॉस सेक्शन एरिया, ए द क्रॉस सेक्शन, दिस इज आल्सो कॉल योर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, हम सिंपल लैंग्वेज में लॉ ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। देन रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड द टेम्परेचर, ये तो डिपेंड डायरेक्ट पर लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मेटेरियल पर डिपेंड करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करेगा, दिस आल्सो डिपेंड द टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई ये डिपेंड के अनुसार हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज कॉल योर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट एंड अदर इज आल्सो कॉल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। वन इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट एंड अदर इज आल्सो कॉल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। हेले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है क्या, व्हाट डू मीन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। सपोज टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है क्या, इफ टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज इज आल्सो कॉल योर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इट इज आल्सो कॉल योर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। सपोज टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, इट इज आल्सो कॉल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, व्हाट डू मीन कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस इज आल्सो कॉल योर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज कॉल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी इज आल्सो कॉल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, आर इक्वल टू व्हाट द आर रो इक्वल व्हाट इज रो, आर इक्वल टू व्हाट द आर इक्वल रो एल अपन ए, व्हाट इज रो रो इक्वल टू आर ए अपन एल। इसका यूनिटी हमेशा पूछता है, व्हाट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। तो इसको पुट कीजिए, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसल, ओम इंटू मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। तो इसलिए ऑल द फॉर्मूला वी कैन रिमेंबर, पहले क्या मैंने बताया, कंडक्टेंस है क्या, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी है क्या, कंडक्टिविटी आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दिस आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, दिस आल्सो कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। समझ में, ये सारे चीज आपको याद रखना। तो पॉजिटिव टेम्परेचर किसको डिपेंड करा, कंडक्टर, कंडक्टर इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, मेटल इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। सेमीकंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा, ऑल आर दी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, ऑल आर दी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट इसको बोलते हैं। तो इंसुलेटर क्या है, नेगेटिव, लेकिन इंसुलेटर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, लेकिन इट इज ए डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इट इज ए डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। समझ में आया, इंसुलेटर नो डाउट इट इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ये टेम्परेचर ऊपर डिपेंड होगा। सो इसीलिए सो ऑल द पॉइंट वी कैन रिमेंबर। तो मैंने बताया क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एरिया, रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मेटेरियल पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये चार पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। कंडक्टेंस क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है क्या, व्हाट डू मीन बाय द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इफ द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीज
एंड रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज दिस आल्सो को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट एग्जांपल ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड आज विद इंसुलेटर एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट इज एन एग्जांपल ऑफ द ओनली फॉर द कंडक्टर एंड द मेटल्स एंड द आयरन कोबाल्ट निकल ऑल आर द मेटल्स हैव द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट. ऑल द मेटल्स नहीं होगा तो मेटल क्या है लिक्विड लिक्विड ऑल द मेटल्स इज नॉट ए नॉट ए सॉलिड स्टेट तो लिक्विड मेटल क्या है जो लिक्विड मेटल कौन है दिस इज ऑल्सो मर्कुरी मर्कुरी इज ए लिक्विड मेटल है ना तो दिस इज डिपेंडेंस अपन सो द टेम्परेचर विल बी डिफरेंट क्लियर. तो ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना. देन हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं व्हाट डू मीन बाय द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ है क्या. ओम एक साइंटिस्ट है जस्ट साइमन एक साइंटिस्ट है वो एक नियम बनाया. वो नियम क्या बनाया नहीं वो बनाया वो बोला क्या है दैट इज व्हाट इज हिज इंटरप्रिटेशन. आई एम नॉट इंटरप्रेट द आई एम नॉट इंटरप्रिटेशन माई सेल्फ अबाउट द ओम्स लॉ. बट ओम्स लॉ क्या बोले एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए वेन द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इट डायरेक्ट परसेंट द पोटेंशियल डिफरेंस. ओम ने क्या बोला कोई भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. करंट कब फ्लो होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. ये नहीं बोला जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो करंट फ्लो होगा नहीं. ओम्स ने क्या बोला कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए करंट कब फ्लो होगा जब दोनों टर्मिनल बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तब जाके करंट फ्लो होगा. दिट इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल. ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द मेटल. कंडीशन क्या है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए. जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तब जाके ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज वो कैनॉट अप्लाई द ओम्स लॉ. ठीक है तो ओम्स लॉ अप्लाई ओनली फॉर द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर सपोज एक कंडक्टर है सपोज एक कंडक्टर है कंडक्टर का दो टर्मिनल है टर्मिनल ए एंड बी दो टर्मिनल है इधर करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो कब होगा बहन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दिखाई देगा तब जाके करंट फ्लो होगा. ठीक है दिस इज आल्सो ओम्स लॉ. व्हेन द करंट फ्लो इन ए कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टू पॉइंट दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ. ओम्स लॉ तो दैट फॉर्मुला वी इज डायरेक्ट पोर्शन आई और वी इक्वल टू आई इनटू आर दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ. वी इक्वल टू आई इनटू आर दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ. व्हाट इज वी वी द वोल्टेज व्हाट इज आई आई द करंट व्हाट इज आर आर इज द रेजिस्टेंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस और इज रेजिस्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं वी इक्वल टू आई इनटू आर दैट द फॉर्मुला सिग्निफाइज द दिस सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द करंट और द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द करंट क्या करेगा अपोज करेगा रेजिस्टेंस. व्हेन द करंट इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज. समझ में आया. सो आई इक्वल टू वी बाई आर जब करंट ज्यादा होगा हम लोग क्या करेंगे रेजिस्टेंस को कम करते हैं. व्हाट इज द आई आई इक्वल टू वी अपन आर. ठीक है लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं हमने क्या बोलते हैं हमने ऑब्स्टाकल कर दिया रेजिस्टेंस को अपोज कर दिया. द ऑपोजिशन ऑफ अवर फ्लो ऑफ करंट इज आल्सो नोन एज द रेजिस्टर और द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टर इज आल्सो नोन रेजिस्टेंस. सो दैट इज द ओम्स लॉ. ठीक है क्लियर हो गया. तो ओम्स लॉ क्या बोल रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्ट पर्सन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट और द वी इक्वल टू आई इन टू आर और आई इक्वल टू वी बाई आर. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ. दिस आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ. ठीक है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना. वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको बराबर आपको याद रखना जरूरी है. देन हम चलते हैं एप्लीकेशन ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा. ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा. ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर द कंडक्टर और कंडक्टिव मेटल में एप्लीकेबल होगा और बाकी चीज में एप्लीकेबल नहीं होगा. कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा. इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होगा. गैसेस में नहीं होगा. वैक्यूम ट्यूब में नहीं होगा. सुपर कंडक्टर में नहीं होगा. दिस इज नॉट एप्लीकेबल सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं होगा ओम्स लॉ. ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा. ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर द मेटेरियल एंड द कंडक्टिव मेटेरियल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिस इज आल्सो कॉल्ड लिमिटेशन ओम्स लॉ. इसको क्या बोलते हैं ओम्स लॉ का लिमिटेशन है. दिस इज ए ड्रॉबैक्स ऑफ द ओम्स लॉ. ठीक है तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया. क्या पढ़ाया ओम्स लॉ है क्या. एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को लेके हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देखिए ओम्स लॉ क्या है. हमने दो फॉर्मूला आपको बताया. मेरे को क्या फॉर्मूला बता वी इक्वल टू आई इंटू आर फॉर्मूला और एक आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. ये दो फॉर्मूला मेरे को पता है और कुछ मेरे को पता नहीं. रेजिस्टेंस इक्वल रो एल अपन ए. रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी
लेंथ अपन दी, लेंथ अपन दी एरिया, आर इक्वल रो एल अपन ए। सिंपल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन क्या है, एक सिंपल कंडक्टर का लेंथ एल है, एक कंडक्टर का लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मैंने उसका लेंथ को दो गुना बढ़ा दिया, वी कैन लेंथ को मैंने क्या कर दिया, दो गुना बढ़ा दिया, कीपिंग एरिया कॉन्स्टेंट, मैंने क्या किया एरिया को कॉन्स्टेंट रखा, एरिया को कॉन्स्टेंट रखा, व्हाट इज दी न्यू चेंज इन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या रखा मैंने, एक सिंपल कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ एल है, कंडक्टर का लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मैंने उसका लेंथ को दो गुना बढ़ा दिया, वी हैव टू आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पार्टिकुलर कंडक्टर टू टाइम्स एंड कीपिंग द एरिया कॉन्स्टेंट, मैंने एरिया को कॉन्स्टेंट रखा, कीपिंग द एरिया कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द न्यू चेंज इन रेजिस्टेंस, उसका न्यू चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो पहले फॉर्मूला क्या है, लेट आर वन इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, आर वन इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड आर टू इज द फाइनल रेजिस्टेंस, आर टू इज द फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल क्या होगा, व्हाट इज आर वन, तो आर वन इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए, एंड सेकेंड कैसे क्या है, आर टू इक्वल टू रो इन टू टाइम्स एल अपन ए, तो इसको हम कर सकते हैं आर टू इक्वल टू टाइम्स रो एल बाई ए, व्हाट इज रो एल बाई ए, व्हाट इज रो एल बाई ए, दिस इज आल्सो कॉल्ड आर वन, एंड द न्यू रेजिस्टेंस आर टू इक्वल टू टाइम्स ऑफ आर वन, द न्यू रेजिस्टेंस आर टू इज टू टाइम्स आर वन, तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, मतलब क्या है, सपोज हमने लेंथ को दो गुना बढ़ा दिया, एरिया को हमें कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो व्हाट इज द न्यू चेंज रेजिस्टेंस, हमारा न्यू चेंज रेजिस्टेंस दो गुना बढ़ जाएगा, न्यू चेंज रेजिस्टेंस दो गुना बढ़ जाएगा, सिमिलरली एरिया को कॉन्स्टेंट रखेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिमिलरली और एक क्वेश्चन क्या है, कंडक्टर का लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मैंने उसका लेंथ को दो गुना बढ़ा दिया, कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, मैंने किया क्या, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखेंगे, कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, व्हाट द न्यू चेंज रेजिस्टेंस, द न्यू चेंज रेजिस्टेंस विल स्क्वेयर, दो गुना स्क्वेयर हो जाएगा, सपोज टू टाइम चार टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये आपका होमवर्क है, देन यू कैन डू दैट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ तक क्या खत्म किया, मैंने खत्म किया क्या है, तो सपोज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, व्हाट माई रेजिस्टेंस, लीनियर सर्किट क्या है, नॉन लीनियर सर्किट क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है, टाइम इनवेरिएंट क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हम यहाँ तक आपको डिस्कशन किया। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द ओएनजीसी का पहला क्लास में मैं इतना चीज आपको कवर किया, देन हम चलते हैं नेक्स्ट कवर करते हैं, क्या है नेक्स्ट हम कवर करेंगे, यदि रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो क्या है, यदि रेजिस्टेंस इन सीरीज, यदि रेजिस्टेंस इन सीरीज व्हाट हैपन, यदि रेजिस्टेंस इन सीरीज व्हाट हैपन, तो टू और थ्री रेजिस्टेंस विल कांड इन सीरीज, सपोज ये क्या है, रेजिस्टेंस देखने में कैसे है, रेजिस्टेंस देखने में ऐसा है, तो दो और तीन रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज कनेक्शन कर दिया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, हमने उसको सीरीज कनेक्शन कर दिया, हमने उसको सीरीज कनेक्शन किया, दिस इज वोल्टेज वी, दिस नेट वोल्टेज बट टोटल वोल्टेज वी अप्लाई किया, इसके वोल्टेज अक्रॉस वी वन, दिस इज वी टू एंड दिस इज वी थ्री, नेट वोल्टेज क्या है, नेट वोल्टेज वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, द टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो जब सीरीज सर्किट होगा, तीन पॉइंट आपको याद रखना, नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट, नंबर थ्री पॉइंट एंड नंबर फोर पॉइंट, ये चार पॉइंट आपको याद रखना है सीरीज सर्किट में। पहला पॉइंट आपको याद रखना, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम रहता है, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, द वोल्टेज विल बी डिफरेंट, करंट सेम, वोल्टेज विल बी डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई द पोटेंशियल डिवाइड रूल बा वोल्टेज डिवाइड रूल क्या है, वी डी आर, वी डी आर, वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पावर मस्ट बी एडिटिव, पावर मस्ट बी एडिटिव नेचर, पावर हमेशा एडिशन होते होते जाएगा, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज सर्किट, समझ में आया। तो रेजिस्टेंस सीरीज होगा, दो रेजिस्टेंस होगा कि तीन रेजिस्टेंस होगा, हम उसको सीरीज कनेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो करंट सेम फ्लो होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, पावर मस्ट बी एडिटिव होगा, वोल्टेज अब डिफरेंट होगा, वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल, वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, ठीक है। तो हम वोल्टेज डिवाइड क्या है, हमको वी वन वी टू वी थ्री निकालना है, तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज होगा, व्हाट द दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री, व्हाट द रेजिस्टेंस, तो आर इक्वल टू सिंपली
आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सिंपल चीज आपको सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज होगा तो आर इक्वल क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा, वी वन अलग होगा, वी टू अलग होगा और वी थ्री अलग होगा, और वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री मिला कितना होगा, वी होगा। तो वही वी वन हम निकालेंगे, वी टू निकालेंगे, वी थ्री निकालेंगे। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज डिवाइड रूल। हम वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज वी वन इक्वल टू नेट वोल्टेज वी, नॉट वोल्टेज वी, नॉट वोल्टेज वी इन टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस इज वोल्टेज डिवाइड। इन वी टू कैसे निकाले, वी टू को नेट वोल्टेज वी इन टू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिमिलरली वी थ्री कैसे निकालेंगे, वी थ्री को नेट वोल्टेज वी इन टू आर थ्री बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अदरवाइज वी थ्री इक्वल टू नेट वोल्टेज वी माइनस वी वन प्लस वी टू, ये भी निकाल सकते हैं। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री, एंड दिस सिंपल सर्किट इज आल्सो कॉल्ड योर वोल्टेज डिवाइड रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइड रूल बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज होगा तो हमेशा याद रखना चार पॉइंट, करंट हमेशा सेम फ्लो होगा, वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होगा, पावर मस्ट बी एडिटिव नेचर होगा, और द वोल्टेज डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट दैट इज वी वन वी टू वी थ्री अलग अलग होगा। वी वन इक्वल टू नेट वोल्टेज वी इंटू आर वन बाई आर इक्वलेंट, वी टू इक्वल नेट वोल्टेज वी इंटू आर टू बाई आर इक्वलेंट, नेट वी थ्री इक्वल नेट वोल्टेज वी इंटू आर थ्री बाई आर इक्वलेंट। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज वी वन वोल्टेज वी टू एंड वोल्टेज वी थ्री अक्रॉस आर वन आर टू एंड आर थ्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है पैरेलल सर्किट। सिमिलरली पैरेलल सर्किट में क्या है, सपोज पैरेलल सर्किट होगा यदि टू और रेजिस्टेंस, सपोज टू दो रेजिस्टेंस हम लेंगे, दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल कनेक्शन किया, यदि टू रेजिस्टेंस विल कंटेन पैरेलल, ये आर वन है ये आर टू है, नेट करंट आई है, नेट करंट आई है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है आई वन, इसमें कितना फ्लो हो रहा है आई टू, ठीक है ना। दोनों रेजिस्टेंस सपोज पैरेलल कनेक्शन होगा, व्हाट द कंडीशन, ये चार कंडीशन मानेगा। पहला क्या है, वोल्टेज विल सेम, करंट डिफरेंट, पावर मस्ट बी एडिटिव, एंड द करंट डिवाइड रूल बाय दिस आल्सो कॉल्ड सीडीआर, करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट। ये चार पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबर ऑल द फोर पॉइंट। द पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा, पावर मस्ट बी एडिटिव नेचर होगा, और करंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो व्हाट द आर इक्विवेलेंट, इसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कैसे, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हम इसको कैसे एलसीएम ले जाइए, आर वन आर टू बाई कितना होगा, आर टू प्लस आर वन, और आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कैसे फॉर्मूला, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। तो दिस इज द फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट ऑफ ए सर्किट व्हेन द टू रेजिस्टेंस विल कंटेन पैरेलल, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होगा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, आर इक्विवेलेंट आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, दिस इज द आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला। सिमिलरली पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइडेड, करंट वोल्टेज सेम है, करंट डिविजन है, तो करंट कैसे निकालेंगे, सीडीआर कैसे निकालेंगे, तो आई वन इक्वल नेट करंट आई, जो करंट फ्लो आई जो ब्रांच का निकालेंगे उसका ऑपोजिट मान रेजिस्टेंस आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ये फॉर्मूला है, दिस इज सीडीआर। सिमिलर आई टू करंट कैसे करेंगे, नेट करंट आई जो ब्रांच में निकालना है उसका ऑपोजिट मान रेजिस्टेंस आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, दिस इज फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर सीडीआर, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर करंट डिवाइड रूल। आई वन इक्वल नेट करंट आई इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस, सिमिलर आई टू को नेट करंट आई इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज सी डी आर करेंट डिवाइड रूल। करेंट डिवाइड रूल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, करेंट डिफरेंट होगा, पावर मस्ट भी एडिटिव होगा, और करेंट डिवाइड रूल एप्लीकेबल इन पैरेलल सर्किट होगा। ये सिंपल फॉर्मूला ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड सी डी आर। तो हमारा घर का जो वायरिंग कनेक्शन हो रहा है, घर का वायरिंग जो कनेक्शन हो हमेशा पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, ऑल दी हाउस वायरिंग कनेक्शन इन पैरेलल, जितना घर का क्यों पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, तो हमको वोल्टेज से मतलब है, ऑल दी इंस्ट्रूमेंट ऑल द इक्विपमेंट विल गेट द इक्वल अमाउंट द वोल्टेज, सारे वोल्टेज सेम पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पालल कनेक्शन करते, ऑल द इंस्ट्रूमेंट विल कंटेन पालल, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पालल सर्किट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या खत्म किया अभी, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट मैंने खत्म किया। ये चार फॉर्मूला व चार पॉइंट आपको याद रखना है, यू मस्ट रिमेम्बर द पॉइंट। देन हम चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट चलते हैं। तो इंडक्टर का काम क्या, इंडक्टर काम क्या है, तो द इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आर द थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर क्या है, व्हाट डू पैरामीटर, दिस आल्सो कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी, एनी वेरिएबल क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम इसको पैरामीटर बोलते हैं। रेजिस्टर भी एक पैरामीटर है, इंडक्टर भी एक पैरामीटर है, एंड कैपेसिटर भी एक पैरामीटर है। तो इंडक्टर का काम क्या है, पहले हम चलते हैं इंडक्टर। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया आपको, रेजिस्टेंस का काम क्या है, सीडीआर क्या है, वीडीआर क्या है, करंट डिवाइडर क्या है, वोल्टेज डिवाइडर क्या है, ओम्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, सारे चीज बताया, सारे टर्मिनोलॉजी बताया, लीनियर सर्किट क्या है, नॉन लीनियर सर्किट क्या है, सारे चीज मैंने बताया। अभी हम चलते हैं क्या है, इंडक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इंडक्टर है क्या, व्हाट डू मीन बाय द इंडक्टर, एनी कंडक्टर इन ए कॉयल फॉर्म, कोई भी कंडक्टर को हमने कॉयल फॉर्म दे देंगे ये सिंपल बन जाता है इंडक्टर। समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए कंडक्टर एक सिंपल वायर है, हम इसको ऐसे फॉर्म दे दिया, ये बन गया हमारा कंडक्टर, ये बन गया हमारा इंडक्टर। समझे, एनी कंडक्टर इन ए कॉयल फॉर्म इज ऑल्सो द इंडक्टर। इंडक्टर काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, द रेट ऑफ चेंज करंट, ये अपोजेस द रेट ऑफ चेंज करंट, ये क्या करंट को अपोज करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये अपोज करेगा। दिस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड ये। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का काम क्या है, सिंपल करंट को अपोज करेगा, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज करंट को अपोज करेगा, नंबर वन पॉइंट। एंड नंबर टू पॉइंट क्या है, ये जो फील्ड क्रिएट करेगा, दैट द फील्ड इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ये कॉन्सेप्ट ज्यादा है, जब हम आगे आगे बढ़ेंगे कपूल सर्किट जब पढ़ाएंगे तब डिटेल पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये जो एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर में, जो एनर्जी स्टोर होगा, द एनर्जी स्टोर इज मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा आउटसाइड द एलिमेंट, है ना, अंदर नहीं करेगा कुछ, बाहर ही सब कुछ काम करवाएगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक क्रिएट करेगा फील्ड, द फील्ड क्रिएट आउटसाइड द एलिमेंट, एंड दैट द फील्ड इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इनिशियल क्या है, एनर्जी जो स्टोर होगा, द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा, वो कितना एनर्जी स्टोर होगा, E इक्वल टू हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला E इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सारे फॉर्मूला, सारे जो मैंने पॉइंट लिखा है, ऑल द पॉइंट आज इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स हैव द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन हमें हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट क्या है, इट अपोज द रेट ऑफ करंट, दिस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडक्टर क्या अपोज कर रहा है, इंडक्टर अपोज कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ओनली फॉर द करंट को अपोज कर रहा है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट क्या है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, कौन सा फील्ड क्रिएट कर रहा है इंडक्टर, जो इंडक्टर कौन सा फील्ड क्रिएट कर रहा है, दिस फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देन हम चलते हैं, एंड द इनिशियल कंडीशन एंड द फाइनल कंडीशन, ए क्या है, सो दिस इज द ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का ट्रांजिएंट एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन एंड द फाइनल कंडीशन बोलते हैं, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, इंडक्टर बिहेवियर क्या है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट है क्या, कंडीशन ऑफ द ओपन सर्किट है क्या, कंडीशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट है क्या, व्हाट द पावर कंज्यूम पी यूनिट सर्किट, द पावर कंज्यूम द प्योर एनर्जी सर्किट इक्वल जीरो, द पावर कंज्यूम प्योर एनर्जी सर्किट इक्वल जीरो, एंड व्हाट द एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इक्वल हाफ एल आई स्क्वायर, और कहाँ पे एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो पॉइंट है, ऑल द पॉइंट आज इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट आज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, एंड इसको रट्टा मार के आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, एंड अपोज रेट ऑफ करंट को अपोज करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट की द पावर कंज्यूम प्योर इंडक्टिव सर्किट इक्वल जीरो, ये हम इसको ऐसी फंडामेंटल पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है, एनर्जी स्टोर इंडक्टर इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगा, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा। दिस ऑल आर द पॉइंट ऑफ एन इंडक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं इनिशियल पॉइंट कंडीशन और फाइनल कंडीशन है क्या, इंडक्टर का इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन है क्या। देखिए, ए सिंपल एक इंडक्टर है, मैंने क्या किया, मैंने हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई करेंगे। ये सिंपल एक कॉइल है, इंडक्टर है, हम लोग क्या करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे। करंट कैसे सप्लाई होगा, वोल्टेज देंगे तो करंट सप्लाई होगा। करंट कैसे सप्लाई होगा,
तो वोल्टेज देंगे तो करंट सप्लाई होगा, वोल्टेज नहीं देंगे तो करंट कैसे सप्लाई होगा, नहीं होगा। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, देन द करंट विल फ्लो, करंट फ्लो हो रहा है। कौन क्या क्यों करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो होगा, होगा ही होगा। वही करंट क्या करेगा, कॉयल को एक्साइटिंग करेगा, क्या करेगा, एक्साइटिंग करेगा। दिस आल्सो एक्साइटेशन, दिस इज द इंटरनल बिहेवियर सिस्टम, वी कांट डिफाइन व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एक्साइटेशन, समझ में। वही करंट क्या करेगा, ये कॉयल को एक्साइटिंग करेगा, जब एक्साइटिंग करेगा एंड द डेवलप द फ्लक्स, क्या डेवलप होगा, द फ्लक्स विल डेवलप, क्या होगा, द फ्लक्स विल डेवलप एंड क्रिएट ए फील्ड, एंड क्रिएट ए फील्ड आउटसाइड द एलिमेंट एंड दैट द फील्ड इज आल्सो का मैग्नेटिक फील्ड, समझ में। वंस द मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट सम फोर्स डेवलप एंड दैट द फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप नहीं होता तब तक इंडक्टर कोई काम नहीं करेगा, इंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो गया, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगा, करंट को खींच खींच के लेके इधर से लेके इधर फ्लो करवाएगा। व्हेन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन ड्राइव द करंट फ्रॉम द वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल। ये जो प्रोसेस होने में एक मिनट, दो मिनट, एक सेकेंड, दो सेकेंड, पिको सेकेंड, फिंटो सेकेंड, आपको पता नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई, तो दो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन एंड द फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल में मैंने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होगा, व्हेन टी इक्वल जीरो दैट द कंडीशन इज आल्सो का इनिशियल कंडीशन। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन द टी इक्वल इनफिनिटी दैट द कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में जब हम इमीडिएटली स्विच ऑन करेंगे, इंडक्टर में करंट फ्लो होगा नहीं, क्यों क्यों फ्लो होगा नहीं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा, तो इनिशियल पोर्शन में करंट फ्लो होगा नहीं। सो दैट्स हम लोग क्या बोलते हैं, एट इनिशियल कंडीशन द इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा नहीं। इन इनिशियल कंडीशन द इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। कुछ समय के बाद जब करंट फ्लो होगा, एट द फाइनल कंडीशन द इंडक्टर बिहेव शॉर्ट सर्किट, कुछ समय के बाद करंट फ्लो होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये सारे जो 7 पॉइंट मैंने लिखा, ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। तो करंट क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इनिशियल पोजीशन इंडक्टर क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। फाइनल पोजीशन में इंडक्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। व्हाट इज द पावर कंज्यूमड इन सर्किट, जीरो। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर सर्किट, आप एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कौन सा फील्ड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगा। ऑल द पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इज ए क्वेश्चन। सो इसलिए ONGC में ये बहुत क्वेश्चन आता है, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस में। तो इसलिए ये पॉइंट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ONGC नहीं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन हम चलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट पैरामीटर इज आल्सो कैपेसिटर। कैपेसिटर काम क्या है, कैपेसिटर काम क्या करेगा, ये वोल्टेज को अपोज करेगा, इट कैन अपोज दी वोल्टेज। और जो फील्ड क्रिएट होगा, दी फील्ड इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड, बाहर में नहीं होगा, दोनों के अंदर होगा, कैपेसिटर के अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनिशियल पोर्शन फाइनल पोर्शन जस्ट रिवर्स एज इंडक्टर, इंडक्टर का रिवर्स है। तो इनिशियल पोर्शन होगा शॉर्ट सर्किट, फाइनल पोर्शन में ओपन सर्किट, पावर कंज्यूम जीरो होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। इसका सारा डिटेल हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर है क्या, व्हाट डू मीन बाय द कैपेसिटर, सी इक्वल टू क्यू अपन भी, सी इक्वल और सी इक्वल एप्सिलॉन ए अपन डी, ये सारे फॉर्मूला। कैपेसिटर फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू क्यू अपन भी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपन ए बाई डी। व्हाट इज सी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर ए अपन डी, ये सारे फॉर्मूला। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए एरिया ऑफ द प्लेट, व्हाट डी, डी द डिस्टेंस सेपरेशन विद द टू प्लेट, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक हमने अभी क्या किया, यहाँ तक अपने वाइंड अप करते हैं पहला क्लास का, ONGC का पहला डे का पहला क्लास, है ना, पहला डे का पहला क्लास हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया, पहले हमने बताया क्या है, लीनियर सर्किट क्या है, नॉन लीनियर सर्किट क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है, टाइम इनवेरिएंट सर्किट क्या है, करंट क्या है, चार्ज क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग और इलेक्ट्रिक प्रेशर मैंने बताया था। उसके बाद हमने क्या क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्या
लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस किस किस को प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बाद आए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहाँ अप्लीकेबल होगा, ओम्स लॉ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, और द लिमिटेशन ओम्स लॉ। फिर हमने रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पाले, डिफरेंट डिफरेंट फैक्चुअल डाटा सारे देखे, हम यहाँ तक खत्म किया। दिस ऑल आर द पैरामीटर ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।